वाकई में वेटेरियन एक्ट्रेस तनुजा आज भी बहुत बेबाकी की वजह से तारीफों में रहती हैं। फिल्मों से भले ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाई हो, लेकिन फिल्मों में जो उनका अपना एक अलग अवदा था, फिल्मों में उनकी जो दीवानगी थी और तनुजा की खूबसूरती के जो दीवाने थे, उनके बारे में बात की जाए तो लोग चौंक जाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन जिस धर्मेंद्र को कहा गया, वो धर्मेंद्र भी तनुजा के इतने दीवाने हुए हैं कि दीवानगी की हदें तोड़कर उन्होंने एक गलती की और भारी पड़ी वही गलती धर्मेंद्र को, ऐसी कि खाने पड़े उन्हें तमाचे। धर्मेंद्र की खूबसूरती की दीवानी थी मीना कुमारी। धर्मेंद्र ऑलरेडी थे मैरिड, इसके बावजूद जब वो बॉलीवुड में आए तो मीना उनकी दीवानी हुई। मीना ने उनकी करियर में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। ऐसे में मीना कुमारी जब धर्मेंद्र की दीवानी हुई और धर्मेंद्र के साथ उनकी दोस्ती की वजह से मीना की रियल लाइफ पर्सनल लाइफ में इसका बुरा असर पड़ने लगा, स्टिल धर्मेंद्र मीना कुमारी के नहीं हुए। और धर्मेंद्र का कहा जाता है कि हाथ उठा था मीना पर, वही धर्मेंद्र भला तनुजा के कितने दीवाने होंगे कि उन्होंने थप्पड़ तक खा ली थी। आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तनुजा की काबिलियत की आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन तनुजा वाकई में धर्मेंद्र और उनकी पत्नी के बीच किसी भी तरह का बिगड़ा रिश्ता की वजह ना बने, इसके लिए उन्होंने हाथ तक उठाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज एक बफर से हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में आपको बताने जा रही हूँ कि तनुजा ने कैसे जड़ा था एक जोरदार तमाचा धर्मेंद्र के गाल पर, और उसका दर्द ऐसा दिल में छपा धर्मेंद्र के कि वो फिर कभी वो थप्पड़ नहीं भूल पाए, और फिर ऐसी हिम्मत नहीं कि उन्होंने किसी से फ्लर्ट करने की। तो आइए जानते हैं ये किस्सा तनुजा धर्मेंद्र से जुड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अब भी काफ़ी परेशान है। इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना इसलिए कर रहा है क्योंकि बॉलीवुड में देखा जाए तो वेटेरियन एक्ट्रेस की बातें भी कई बार सामने ऐसे आती है जिससे पब्लिक फिगर होने की वजह से उन्हें मुश्किलों में आना पड़ता है। आज हम बात करेंगे काजोल और तनुषा की मां तनुजा के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं, काजोल और तनुजा की मां काजोल और तनिषा की मां तनुजा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमेशा से ही अपनी बात बेबाकी से रखी है। तनुजा का हाल ही में जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ है और उनके सभी फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके जन्मदिन पर खुशी जाहिर की है। तो चलिए आपको अब यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में बता दें, तनुजा के जन्मदिन के मौके पर एक चौंकाने वाला राज खुला है जो कि धर्मेंद्र से जुड़ा है। दरअसल धर्मेंद्र की हरकत से तनुजा बहुत परेशान रही है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन धर्मेंद्र की हरकत से तनुजा एक बार इतनी परेशान थी उनके व्यवहार से कि थप्पड़ तक उन्हें मार दिया था और कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी पत्नी को बताती हूँ। दरअसल अपने बिंदास एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाने वाली 78 साल की तनुजा 23 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाती है। तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थ जो कवि और फिल्म निर्देशक रहे, और माँ शोभना समर्थ जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, उनकी वजह से सिने इंडस्ट्री से उनका लगाव बहुत पुराना रहा। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे, अंग्रेजी फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखने वाली तनुजा ने स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। साल 1958 में छबीली नाम से कॉमेडी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली तनुजा के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक बार परेशान रही थी। जी हाँ, ये सच है बिल्कुल कि तनुजा ने इंडस्ट्री में बेहतर काम किया, लेकिन उनका झगड़ा हुआ था किसी और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के साथ। और ये जानकर आप सभी को बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, ये घटना उस वक्त की है जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी। धर्मेंद्र और तनुजा से जुड़ी इस घटना के बारे में हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि वाकई में धर्मेंद्र और तनुजा के बारे में कई लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन तनुजा और धर्मेंद्र के बीच चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान ऐसी घटना हुई थी जब थप्पड़ पड़ गए थे धर्मेंद्र को। साल 1965 की बात करेंगे, दुलाल गुहा की फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान तनुजा ने कहा था धर्मेंद्र और उनके साथ में
बहुत अच्छे जुगलबंदी थे, दोनों बहुत मस्ती करते थे, नशा भी कर लेते थे और अल्कोहल भी लेते थे। धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी पत्नी प्रकाश कौर से तब मिलाया भी था। उस समय सनी देओल सिर्फ 5 साल के थे और उनकी बेटी लाली केवल 6 महीने की थी। एक दिन धर्मेंद्र और तनुजा फ्लर्ट करने की कोशिश की वजह से झगड़े में फंस गए। धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और धर्मेंद्र को इसी मामले में जवाब देते हुए थप्पड़ जड़ दिया था तनुजा ने। और तनुजा ने उस वक्त उन्हें कहा, बेशक मैं तुम्हारी पत्नी को जानती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे फ्लर्ट करो। अपने किए पर इसलिए एम्बेरस होकर धर्मेंद्र ने फिर तनुजा से माफ़ी भी मांगी। कहा, तनु मेरी माँ सॉरी, प्लीज़ मुझे अपना भाई बना ले। डर गए धर्मेंद्र की भाई बनाने की बात कह बैठे। बहुत समझाने के बाद उन्होंने एक काला धागा लिया और उसकी कलाई पर बांध दी। जी हाँ, धर्मेंद्र के साथ तनुजा के ऐसे रिश्ते रहे हैं। झगड़े हुए ऐसे कि भाई बहन का रिश्ता वहीं काला धागा लेकर इन्हें बनाना पड़ा। बहुत बोल्ड एक्ट्रेस तो तनुजा रही हैं, बहुत गुस्सैल भी रही हैं तनुजा। अमिताभ से लेकर राजेश खन्ना के साथ उन्होंने जबरदस्त फिल्मों में एक्टिंग की है। तनुजा आज भी बेबाकी की वजह से जानी जाती हैं। उनके शौक भी बहुत गजब के हैं, काजोल से भी ज़्यादा शौकीन रही हैं तनुजा। कहीं धर्मेंद्र की बात की जाए तो प्रकाश कौर के साथ शादी के बाद बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले धर्मेंद्र ने किसान से अभिनेता बनने तक के सफर के कई किस्से अब तक सुनाए हैं। 86 साल के धर्मेंद्र तनुजा से बहुत कम ही मिलते हैं, 8 साल उनसे उम्र में बड़े हैं। वो अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ प्यार भरे रिश्ते को अंजाम शादी तक दिलाने के लिए भी अपनी पत्नी प्रकाश के गुस्से का सामना कर चुके हैं। सनी देओल और बॉबी तो हेमा मालिनी से बहुत खफा रहे थे। जब हेमा मालिनी ने सनी बॉबी की माँ को रुलाया, यानी कि प्रकाश कौर को रुलाया, यानी कि प्रकाश तलाक नहीं देना चाहती थी धर्मेंद्र को, लेकिन धर्मेंद्र हेमा को किसी और का होते देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया था। मंदिर में जाकर हेमा और धर्मेंद्र ने शादी की थी। हेमा ने हर शर्त माने थे धर्मेंद्र के। उन्होंने धर्मेंद्र की पुश्तैनी घर में ना कभी कदम रखा, ना उनकी पहली पत्नी और परिवार के बीच दखल अंदाजी की। वहीं तनुजा की बात की जाए तो बता दें, शशधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे शोमू मुखर्जी से तनुजा की शादी साल 1973 में हुई थी। दोनों बेटियों के जन्म के कुछ ही टाइम बाद धर्मेंद्र से बिल्कुल अलग झगड़े के बाद रहने वाली तनुजा अपने पति से भी अलग रहने लगी थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह काजोल ने तो बना ली, लेकिन इसका क्रेडिट काजोल अपनी मां को देती हैं। जी हाँ, तनिषा भले ही फिल्मों में काम ना कर पाई हो, लेकिन अपनी मां के साथ वो हर वक्त रहती हैं। तनुजा के पति शोमू, जिनका 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था 10 अप्रैल की तारीख को साल 2008 में, इसे काफ़ी तकलीफ में रही थी काजोल और तनुजा तो खूब रोई भी थी। तनुजा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी के बारे में परवाह नहीं की, बिंदास रही हैं। उन्होंने अपनी बेटियों की हमेशा परवाह की, अपने पति से अलग रहकर बेटियों की परवरिश उन्होंने शानदार की और बेटियों को पिता से मिलने से भी नहीं रोका था। सिर्फ घर ही अलग हुए थे, लेकिन परिवार साथ ही था। वहीं आपको बताना चाहेंगे, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त से कह दिया था, ऐ गुरुदत्त तू जब चला जाएगा अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम कर जाना। तनुजा ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो खुलकर बात करने नशे में पूरी तरह से डूबे रहने वाली एक्ट्रेस में से एक है। धर्मेंद्र को थप्पड़ मारने वाली एक्ट्रेस तनुजा ने फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में वो किस्सा बताया था, स्पेशल बॉन्डिंग के साथ धर्मेंद्र के साथ झगड़े से जुड़ा और इस बारे में लोग बहुत हैरान रह गए थे जानकर पूरी तरह से। तो दोस्तों, आपने जाना तनुजा और धर्मेंद्र के बीच बिगड़े रिश्ते की पूरी कहानी क्या है। वक्त हो चला है आपसे यहीं इजाजत लेने का। शो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट का हम दी एंड करेंगे आज, लेकिन लौटेंगे फिर अगले एपिसोड में लेकर इस शो से जुड़ी कुछ और भी स्पेशल लेटेस्ट खबरें। तो आप देखते रहे एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।